अचानक से प्लान बना, फटाफट से हम लोग निकल लिए, किसी को नहीं पता घर पे कि हम आ रहे हैं। भाई लखनऊ आओ और जाम ना मिले, हो सकता है क्या? मतलब यहाँ से हमें लेना है राइट, सीधा निकलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, तो अब आप गेस करो आगे, और बताओ, कमेंट बताओ। और ऑल सामान सारा कुछ सेट हो चुका है इसमें। नोएडा में आपका स्वागत है, ये है यूपी बॉर्डर। वो सऊदी में सबसे ज़्यादातर लोग जो है ना वो यूपी के आजमगढ़ से हैं, तो 12 किलोमीटर आजमगढ़ का देख सकते हो आप। सऊदी अरब का एक्सपीरियंस काम आ रहा है, खाते खाते चाय पीते पीते ड्राइविंग करने का। सऊदी अरब का लुलू, सऊदी अरब वाला लुलू मेरे भाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस फर्स्ट व्यू। तो अब सीधा सुबह हो गई रात से, और हम आ गए चांदनी चौक। कटिंग वटिंग भी करा ली मैंने सुबह सुबह, तो चांदनी चौक का नज़ारा दिखा दो आपको। पैदल ही चल रहे हैं भाई, चांदनी चौक पहले की तरह नहीं है, बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है चांदनी चौक का। तो ये देखो कहाँ निकले हम लोग। तो पूरी शॉपिंग हो चुकी है, शॉपिंग हमने नहीं दिखाया क्योंकि सारा सामान गाड़ी में रख दिया मैंने, सेट कर दिया है। तो चांदनी चौक से गए जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से लाल किला, और लाल किला से सरोजनी नगर। इतने सारे जगह पे मार्केट हुआ, बहुत परेशान हो गए हम लोग क्योंकि एक दिन में ये सारा काम करना है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था, एक आदमी का नहीं बहुत सारे लोगों का कपड़ा खरीदने का चैलेंज। सो वो सारा कुछ हो गया, सेटअप भी हो गया। ये जो वीडियो का स्टार्ट कह रहा हूँ मैं, ये वीडियो का पार्ट गाड़ी वगैरह साफ करने के बाद, देखो अभी भी मेरा हाथ में देखो कचरा देख रहे हो लगा ही हुआ है, अभी जस्ट मैंने सफाई किया है। और ऑल सामान सारा कुछ सेट हो चुका है इसमें, देख सकते हो। ठीक है, अपनी इग्निस भी तैयार है, साफ सुथरा कर दिया पूरा, अच्छे से धो धा दिया है, और हम लेके निकलेंगे क्योंकि आज ये बहुत चली है, और इसकी वजह से ही आज हम शॉपिंग सही से कर पाएँ, वरना तो शॉपिंग इम्पॉसिबल था भाई, एक दिन में सब कुछ कर लेना। दिल्ली के अंदर में अगर आप रहते हो, अगर खुद की सवारी है तो आप अप डाउन कुछ भी कर लोगे, और पब्लिक कन्वेंस है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। सो हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं, और आपने देखा ही होगा इनका ब्लॉग जो इन्होंने रात में एंड करा था 2 बजे, और अभी हम सुबह देखे तीनों रेडी हो चुके हैं अपने किसके लिए, फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप के लिए। हाँ, तो वो हम आपको ट्रिप पे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या हमने लिया है क्या नहीं, और किस लिए। तो ये हम जाते जाते आपको ट्रिप पे शेयर करेंगे। तो अभी बाबू तो देखो सोया हुआ है, इसको नींद में ही कपड़े वपड़े पहनाया, तो ठंड बहुत है, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं। ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। हाँ, और हम लोग बस देखो हमारा मुँह देख रहे हो, सही से मुँह भी नहीं धोया हुआ, और क्या बताऊँ, बहुत तगड़ी नींद लगी थी, बट सोते सोते देखो टाइम देखा हुआ, देखो टाइम देखो कितना हो गया, 6:30 बजने वाले हैं, बजने वाले नहीं भाई, बज गए। बस बिस्मिल्लाह करेंगे, बिस्मिल्लाह करके निकलेंगे। आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी जब मैं कार में बैठता हूँ तो फिर हम आगे बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, लंबी जर्नी है, और एक ही वीडियो में ये जर्नी पूरी कम्प्लीट हो जाएगी। एंड थंबनेल भी देखा होगा आपने, लिखा होगा कुछ, ठीक है ना, लोग 12 घंटे 10 घंटे 11 घंटे इस तरीके से कुछ करके, आगे का जो नाम है वो बताता हूँ, अभी रिवील नहीं करूँगा। सो वेलकम बैक है आप सबका हमारे नई वीडियो में, ब्रांड न्यू वीडियो में। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक को देख रहे हो फॉलो कर लेना, तो लेटेस्ट व्लॉग जो भी अपडेट्स होगा मैं फटाफट इंस्टाग्राम पर बताऊंगा, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर मैं और बाबू बैठ गए हैं, तो ये देखिए ये भी मतलब कि नींद में ही है, और उधर वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, लॉक लगा रहे अब। और ये देखिए सुबह हो चुकी है हल्की हल्की, लॉक नहीं लग रहा क्या, लग गया। अच्छा व्लॉग बना रही हो। हाँ। तो देखो भाई सेंट्रल लॉकिंग की बड़ी वाली चाबी घर की, मजा आ गया। देखिए बाहर का नजारा देखो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तो बस शॉक में ऐसे टी शर्ट पहन रखा, ये टी शर्ट नहीं है, गर्म है। चलो बिस्मिल्लाह करके हम बहुत, देखो हमारा गाड़ी देखो पीछे पूरा ये कारपेट वारपेट सब है इसमें, तो बहुत लंबा है सफ़र, इंशाल्लाह अच्छे से पहुंचेंगे।
और हमारे घर को भी अच्छे से अल्लाह ताला ध्यान रखे। वैसे मम्मी आएगी अभी, यहाँ आएगी, रहेगी वो मेरे पीछे में, सब घर का इंतजाम करके रखेगी अच्छे से। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारी कार देखो 4018 किलोमीटर चल चुकी है और हम खजूरी पार कर चुके हैं, और ये देख सकते हो कितना शानदार आ रहा है लुक। तो भाई साहब यही एक्सप्रेसवे है जो हमारे घर के आगे की तरफ से, मतलब जो हमारा मेन हाईवे है वो यही हाईवे है, देहरादून एक्सप्रेसवे वाला जो है, देख सकते हो बगल में साइड में जो है, देख सकते हो ये मेट्रो की है, और यहाँ पे ये फ्लाईओवर पूरा तैयार हो चुका है, वो ऊपर रोड का काम धीरे धीरे चल रहा है। तो हम अक्षरधाम के पास आसपास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा मौसम साफ़ है, पीछे में फॉगी हो रखा था पूरा, और देख लो मस्त लग रहा है सुबह सुबह। तो पहुँच चुके हैं हम दिल्ली बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली से तो यूपी में जा रहे हैं। तो देख सकते हो वहाँ सामने लिखा है, क्या लिखा है, नोएडा में आपका स्वागत है, ये है यूपी बॉर्डर। क्या बात है, सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम लग रहा है। नहीं, पेंटिंग बहुत अच्छी करी है फ्लाईओवर के नीचे में, हाँ ये देखो क्या बेहतरीन, वाह। तो हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल हमने ले ली है कार में, और 2841 का तेल आया है, अभी मैंने जीरो कर दिया ट्रिप और निकलते हैं। तो हम नोएडा के फिल्म सिटी के पीछे में हैं इस टाइम पे, तो निकल रहे हैं हम लोग, सीधा निकलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, तो अब आप गेस करो आगे, और बताओ कमेंट में बताओ। और यमुना एक्सप्रेसवे पे वेलकम है भैया। तो इससे पहले भी मैं कई बारी बाइक से जा चुका हूँ, और आप सबको पता है कि आपका भाई है राइडर, बाइक राइडर, अब हम बन गए हैं कार राइडर। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं दरभंगा बिहार। जी देखते हैं, 8 बजे से हमारी कार अब रेगुलर चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि यार दिल्ली से निकलते निकलते पेट्रोल वगैरह लेते लेते 1 घंटा लग गया। निकलने वाले थे हम सवेरे सवेरे ही, लेकिन रात को थोड़ा लेट हो गया था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा 2 बजे 2:30 बजे मैंने वीडियो एंड की थी, और बहुत थक गया था। मैं कहा लंबी ड्राइव करनी है तो 300-400 का किलोमीटर हो तो कोई बात भी, भाई 1170 किलोमीटर की जर्नी है तो बिहार दरभंगा से दरभंगा, सो उसके लिए चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और इन लोगों को मैंने सोने दिया, 4-5 घंटे मैं भी सो गया, उनको चलो अब निकलते हैं आराम से। तो हमारी कार इग्निस पहली बार जा रही है बिहार, और मेरी पूरी फैमिली में मैं फर्स्ट लड़का हूँ जो डीएल नंबर कार लेकर के जा रहा हूँ सीधा सीधा घर, वो भी ड्राइव करके। इससे पहले भी मैं लेके गया हूँ कार, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी मैं वैगनआर लेकर के गया हूँ चला करके, अपने पास डिज़ायर थी लेकिन वैगनआर लेके गया था, बाकी बाइक तो 3-4 बार तो बाइक लेके चला गया, लेके आ गया, और ये फर्स्ट है। बाकी सुबह सुबह का धूप चेक करो, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई क्या बात है, स्कूल का टाइम है ना, इसलिए स्कूल की बसेस वगैरह सब रहती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्वागत है आपका, यहाँ से एंट्री होगी, ये सीधा ग्रेटर नोएडा चला जाएगा परी चौक की तरफ, यहाँ से सीधा अलीगढ़ लखनऊ जहाँ भी जाना है। तो हम निकल चुके हैं, मैं तो सो गई थी थोड़ा सा, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, तो अभी हम जोर से उड़ू क्या, जोर से उड़ू, आगे भूख लगी है, भूख लगी है वैसे भी, अब आज नहीं निकल दी मुँह से, कुछ खाया भी अभी नहीं है। तो अभी तो हम यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, और ये सोया हुआ था मेरी गोदी में, मैंने सोचा इसको लेके पीछे सोती हूँ, पर इस ये तो पीछे जाएगा ही नहीं, मतलब ये आगे से इसने पीछे जाना ही नहीं है, जहाँ पीछे लेके गई बस इसका रोना स्टार्ट, अब मेरी गोदी से चला गया उधर, मतलब कि मेरी गोदी में नहीं बैठना। नहीं, ये कार को जब से ये कार आई है तब से ये आगे ही सफर किया है, पीछे पीछे तो गया ही नहीं है, अभी इसको मैंने पीछे सुलाना है तो ये, अब ये देखो ये मेरा हाथ पकड़े हुआ है ऐसे, ये देखो ये सामने में, अब इसको भी संभालो, गाड़ी भी चला और मेरी गोदी में आ नहीं रहा। वो तो ऐसा है, अब आप लोग कहोगे कि भाई गाड़ी से चलाओ सही से चलाओ, तो ऐसा है कि मेरा बैलेंस बना हुआ है, और ज़्यादातर मैं इसको आगे लेकर के ही चलाता हूँ, तो अपना बैलेंस बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे में 1, 2, 3, 4 लाइन है, जिसमें से हम 3rd लाइन में चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी कैसा लग रहा है? मैंने बता दिया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया क्यों जा रहे हैं। हाँ, ये नहीं बताया। हाँ, इतना तो मेरे को पता है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सुन रही थी ना। हाँ। पूरी नींद रही थी, अच्छे से मुंह पे धूप आ रही है। हाँ। तो सुन रही थी मैं। चलो वो भी बताएंगे हम कहाँ जा रहे, तो बता दिया क्यों जा रहे वो नहीं बताया। तो इससे पहले तो मैं तुमको बाइक से लेके गया हूँ घर पे। हाँ, इससे पहले हम लोग बाइक से गए थे, मजा आया था, धूप आ रही है। बाइक से लेके गया था, बाइक का मजा अपना था और ये भी कार का मजा अलग है। इसमें थोड़ा ये रहता ना कि आदमी आराम कर लेता है, बाइक पे ना थक जाता है, लेकिन मजा आता है फिर भी। लेकिन गाड़ी में ये होता है कि सो सो के चले जाता आराम से। चलो बने रहो व्लॉग में। अभी चाय पीना यार, तगड़ा चाय का तलब लग रहा है, इसने मेरे को सुबह सुबह चाय नहीं दिया, भूख भी लग रही है। अच्छा अभी खाते हैं, अभी इकट्ठे ही नाश्ता करने के लिए, इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं, देखते हैं। चलो देखते हैं, करते हैं कुछ। ओके, तो पहला टोल आ चुका है हमारा, फर्स्ट टोल जेवर वाला। हमारे कार पे तो फास्ट टैग लगा है, स्कैन करते ही निकल जाएंगे। चलो, ये यमुना एक्सप्रेसवे जो था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी आगे से बस हमें राइड लेना है थोड़ी देर के बाद। और सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, मज़े से सही चल रहा है। ओए, ओके, ये देखो इसका, ये बहुत बदमाश है, ये बहुत परेशान कर रहा है। मस्त कार चल रही है, 21-22 का एवरेज निकाल रही है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब लखनऊ एक्सप्रेस वे मिलते हैं आपको। ओके, तो देखते हैं कितने घंटे में पहुंचते हैं, कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो कंटिन्यू बने रहो इन वीडियो में, लास्ट में तो पता लग ही जाएगा आपको। चलते रहो आगे, बाकी बढ़िया चल रहा है, एक नंबर मामला सब कुछ। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तो हम इस लाइन में चला रहे हैं आराम आराम से, इस वाले लाइन में। वैसे बीच में चलता हूँ कभी कभी, बट ये लाइन एकदम सेफ है, आराम से चलते रहो 100 की स्पीड में, 80-100, बस ज़्यादा स्पीड चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो लो जी, वेलकम टू आगरा, आगरा में आपका स्वागत है। वाओ, चलो। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये आपके सामने में है, सीधा जाएंगे तो ताजमहल पहुंच जाएंगे, और यहाँ से लेना है राइट, सीधा हम आगरा की ओर चले जाएंगे। तो देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है जी। तो बाइक लेकर के तो हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार हम लेकर आए हैं कार। तो ये लखनऊ एक्सप्रेसवे 315, 310, 312 किलोमीटर के आसपास है, बट चलो कोई नहीं, देखते हैं कितनी देर में पार करते हैं। 10:35 पे मैंने आगरा पे चढ़ा हूँ, जब एग्जिट करता हूँ या कुछ खाता हूँ तो आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तो बाबू खेल रहा है यहाँ पे, देख लो यहाँ से लखनऊ 317 किलोमीटर है, मैं तो 312 315 बोल रहा था, तो 317 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेंगे। और ये एक्सप्रेस वे मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, और सामने से आ रही थी धूप तो हमने लगा लिया है चश्मा, सस्ता वाला है, महंगा नहीं है। कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, ठीक है? क्योंकि धूप ना लगे सर चेहरे पे, क्योंकि हेलमेट में तो बंदा आगे का ब्लैक ग्लास लगा लेता है, लेकिन कार में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बाकी ऑल ओके है। अब ये भी चश्मा पहनेगी, मैंने पहन लिया, तो ये देख लो इसका, कॉपी करते हैं लोग यहाँ पे, कॉपी करते हैं लोग यार यहाँ पे हैं। ये देखो इसका चश्मा, देखो इसको मैंने कल दिलाया है, ये ली नहीं है, चश्मा दिलाया ब्लैक वाला तुमको, जब मेरे को लगा हुआ स्पेक्स तो मैं चश्मा क्यों, इसको ना मैंने महंगे महंगे चश्मे दिला दिए भाई साहब, कोई फायदा नहीं है। एक तो ये जो है ये बैठा हुआ, इसने तोड़ दिया है लाते ही, और दूसरा पता नहीं कहाँ है। चलो लगा लो, तुम भी लगा लो चश्मा, और बताओ बाइक का मजा और कार का मजा में क्या फर्क है बताओ? बाइक पे थोड़ा पूरा हेलमेट वेलमेट चेहरा बंद रहता है, और कार में देखो एकदम आराम से लेके जा रहे हूँ, उड़ते हुए जब जा रही है ना, मजा आ रहा है ना। तो हम कार में कोई ज्यादा स्पीड नहीं चला रहे, एकदम 180 पे चला रहे, अभी भी 90 पे कार है, ज्यादा स्पीड चलाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से पहुँचना है, नहीं पहुँचेंगे तो होटल में रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री। और लखनऊ एक्सप्रेस पे तो इतना मज़ा आता ना इस गाड़ी चलाने में। मैं जब ये गाड़ी ले आया था ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी दरभंगा भी जाऊंगा ये गाड़ी ले करके, लेकिन गाड़ी लेने की स्टोरी हर चीज़ आपने देखी होगी, डिलीवरी वाला ब्लॉग सब कुछ देखा होगा, लेकिन हमने सोचा कि गाड़ी लेके जाएंगे, नहीं सोचा था हमने कि गाड़ी ले करके जाएंगे, बट अचानक से प्लान बना, फटाफट से हम लोग निकल लिए, किसी को नहीं पता घर पे कि हम आ रहे हैं। और ये आप जो व्लॉग देख रहे होंगे ना, तो ये व्लॉग सबको मालूम पड़ चुका होगा कि हम पहुंच चुके हैं
ठीक है, बट हम कैसे आए नहीं आए उनको पता लग जाएगा अब अच्छे से व्लॉग में, क्योंकि देखो क्योंकि जो अब मेरे मुंह से निकलने वाला था यार। लगभग 80-90 किलोमीटर के बाद फूड प्लाजा, फूड किंग प्लाजा आया है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भीड़ देखो कितनी है। पेट्रोल भी ले लिया, 7 लीटर पेट्रोल आया था। सही मालिश दे रही गाड़ी नहीं यार, है ना। हाँ। देखते हैं यहाँ कुछ खाने को मिलता है तो खा लेते हैं। यहाँ से कुछ रेस्टोरेंट सब बना हुआ है यहाँ पे। देखो भाई बिल देखो, छोले भटूरे कितने के हैं, राजमा चावल कितने के हैं, तवा रोटी कितने की है, कितना आइटम 380 रुपये का। तो भाई क्वांटिटी चेक करो, 160 रुपये। ठीक है तो खाएं। तो खाना पीना हो गया। इस दुकान से हमें मिला चीनी थोड़ा सा इसके दूध के लिए। और ये भैया का दुकान देखो, उल्टा भी है यहाँ पर। तो देखो तो खाना पीना बढ़िया था यार, जैसा भी था अच्छा। हाँ, था कि नहीं था, टेस्ट था और पेट भी भर गया। पेट तो अच्छा खासा भर गया, उल्टा खाना रह गया हमारा। बट हमने माइंड लगाया रोटी भी खाना है, चावल भी खाना है, छोले भटूरे भी खाने। तो हमने तीनों चीज़ एक साथ खा लिए, बढ़िया खा लिया खाना। और ये देखो ये भी वेफर खा रहा है, और पीछे रखे हैं भुट्टे, अभी वो भी खाएंगे। अपनी गाड़ी का मज़ा कुछ और ही है। इस तरीके से हम बाइक पे नहीं कर सकते थे, है ना। बाइक पे ऐसा नहीं भाई, बाइक पे स्टार्ट किए हुई चलते रहो। ओए इसका मुंह देखो, ओए अरे वाह। चलो चलो जी, 200 किलोमीटर बचा हुआ है लखनऊ, मतलब अभी हमारे पास में लगभग 800 किलोमीटर का भी रेंज बचा हुआ है। तो देखते कब तक कवर कर पाते हैं। सो पौने एक बज चुका है और हम यहाँ पर रुके थे 1.5 घंटे लगभग 45 मिनट रुके हैं, अब निकल चुके हैं, 2-3 मिनट हो चुका है। चलिए जी। तो भुट्टे वाले ने लिख रखा था मुंबई के भुट्टे हैं, ठीक है सही मुंबई के भुट्टे हैं। ओए पहली बार खाए मैंने ऐसे, टेस्टी है। सही में टेस्टी, हम लोग खा भी रहे देखो मस्त। सऊदी अरब का एक्सपीरियंस काम आ रहा है, खाते खाते चाय पीते पीते ड्राइविंग करने का सऊदी अरब का वो भी काम आ रहा है, देख लो मजा आ रहा है मजे से। में तो भाई साहब 300 किलोमीटर कार में बहुत बहुत टाइम लग गया। और ओए देख लो 3:12 हो रहा है और अब आया है टोल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कब हम निकले और कब पहुंचे हैं इसकी वजह से, ये जो है ये। तो फिर रुकते आए हैं रास्ते में, और 80 या 100 और कहां बाइक में 140, तो फर्क तो रहेगा ना। तो अब तक का तो जो एक्सपीरियंस था वो पुराना वाला था, लेकिन इस लोकेशन के हिसाब से जो दिखा रहा है, अब हमें यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा अब नए एक्सप्रेसवे से, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, देखते हैं कौन से रास्ते में कहाँ पर कौन सा पेट्रोल पम्प है या नहीं है कुछ भी है, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेसवे तो एक घर की तरह हो गया, आना जाना है कि नहीं तुमको भी पता लग गया। और मस्त गड़िया बढ़िया गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ गाड़ी में। और ये देखो लखनऊ में हम इंटर कर रहे हैं, नीचे से बड़ा शानदार लग रहा, बेहतरीन। तो पेट्रोल फिलअप करा लेते हैं जल्दी से। लखनऊ में आपका स्वागत है भाई साहब। अच्छा जी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं जी। हाँ मुस्कुराइए भाई साहब। यहाँ से हमें लेना है राइट भाई, लखनऊ आओ और जाम ना मिले हो सकता है क्या। मत यहाँ से हमें लेना है राइट, और देख सकते हो कितना जाम है। ये देखो फोन में देख लो, और ये अलग परेशान कर रहा है। ओए 10 मिनट लग गए हमें आते आते यहाँ पे। ट्रैफिक पुलिस देख लो, उन्होंने रुकवाया है, यहीं से लेंगे राइट। बाकी ऑल गुड है, थोड़ी सी थकावट लग रही है क्योंकि हम लोग सही से सोए नहीं थे ना, इसकी वजह से। और ये तो भाई साहब इतना उधम मचा रखा है, ये घर ही समझ रहा है पूरा। हाँ बाबू क्या बेटा क्या। तो इसी रूट में लुलू हाइपर भी मिल जाता है आपको लखनऊ का, देख लो सामने में लुलू, सऊदी अरब वाला लुलू मेरे भाई। लखनऊ में एक ही लुलू है, तो लुलू हाइपर में हम जाएंगे तो नहीं, क्योंकि हम लेट ऑलरेडी हो चुके हैं,
देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। सामने है लुलू, क्या बात है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के नियर बाई है, अभी तक हम पूर्वांचल एक्सप्रेस पर पहुंचे नहीं हैं। तो एक घंटा लग गया लखनऊ के अंदर अंदर से निकलते निकलते पूर्वांचल एक्सप्रेस पर पहुंचते। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। जी हाँ, तो यहीं से जानेंगे हम सीधा ऊपर लेफ्ट, जानेंगे नहीं जाएंगे ऊपर लेफ्ट। सो अब यहाँ से कितनी दूर की दूरी है वो आगे आपको देखता हूँ तो पता लगेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस फर्स्ट व्यू इवनिंग का, देखो शाम के 4:48 हो रहे हैं, हम इंटर किए इस पर और देखते हैं कि हम यहाँ से निकलते कितने बजे हैं। और शाम की इवनिंग देख सकते हो माशाल्लाह सूरज, देखते हैं। 100 की स्पीड लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरे ही कैमरे हर चीज़ है, सब कुछ लगे हुए हैं और अच्छा लग रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे या लखनऊ एक्सप्रेस वे के जैसा ही लग रहा है, सेम टू सेम। हमें लग नहीं रहा है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हैं, कुछ अलग दिख नहीं रहा है, दिखेगा तो बताते हैं। हाँ, एक चीज़ दिख रहा है अलग, किलोमीटर लिखा है इन्होंने यहाँ पे साइड में ना, ये देखो ये ब्लू वाला किलोमीटर लिखा है। अब गाजीपुर 340 किलोमीटर, आजमगढ़ 257, सुल्तानपुर 130। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। हाँ जी, हम देखो कहाँ जाते हैं, छपरा, बलिया, गया, बिहार, चलो गांव जा रहे हैं, सबको पता है कि हम गांव जा रहे हैं। इसे मैंने ड्राइविंग सिखाया था और इसको ड्राइविंग अच्छे से आता है। अब हुआ ये भूल गई जब बाबू हुआ था, तो उसके बाद से अब ये बैठी हुई है। मैंने कहा तुम कोई काम कर लो, देखो बाबू पीछे सो रहा है और इसको दिया मैंने, लो इसको फुलाओ। ये रेडीमेड तकिया है जो कि हमने 2-3 साल पहले लिया था और अभी यूज़ में आ रहा है। हमने दूध भी गर्म किया बाबू का, कैसे गर्म किया बताओ, छोटा वाला जो कैंपिंग वाला गैस चूल्हा है ना छोटा वाला, उससे दूध गर्म भी हो गया, दूध गर्म ही रखा हुआ है। और देखो वो मस्त सो रहा है पीछे में, हम सुला दिया हमने उसे। ये देखो इसका, और ये देखो अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाते हुए। आजमगढ़ वाले भाई साहब चैनल पे हो क्या, गाजीपुर वाले भाई साहब, सुल्तानपुर वाले भाई साहब, टोल गेट वाले भाई साहब टोल टॉयलेट वाले नहीं, टोल गेट 1 किलोमीटर के बाद टोल आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, जबरदस्त हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे बनाया है। आजमगढ़ वालों भाई कमेंट कर दो जल्दी से, सऊदी अरब के अंदर पता है तुमको, सऊदी में सबसे ज़्यादातर लोग जो है ना वो यूपी के आजमगढ़ से हैं। तो 12 किलोमीटर आजमगढ़ का देख सकते हो यहाँ, 12 किलोमीटर आजमगढ़। तो आजमगढ़ वाले भाई लोग आपके यहाँ तो भाई ज़बरदस्त हाईवे बन गया है, क्या बात है, ज़बरदस्त हाईवे। वाह देखो तो नाइट का व्यू चेक करो, यहीं से आजमगढ़ का कट है, गाजीपुर, आजमगढ़, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो रात का आपने यहाँ तक का वीडियो देखा, अब ये मॉर्निंग का है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। और आपको पता है हम रात में कितने बजे आए, 2 बजे रात में आए और इतनी हालत, 2 बजे रात में आए, रास्ते में लगभग 3-3.5 घंटे रुक करके रुकते हुए आए थे, लेकिन आराम से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस से आने का एक अगला मतलब कि अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन अब हम जाएंगे दोबारा जैसे जो हमारा पुराना रूट था इधर से ही जाएंगे, हमारे लिए बेस्ट यही वाला था। क्योंकि रात के 12-2 बजे भी मतलब जब हम एक्सप्रेस से नीचे उतरते हैं तो काफी सारी जगह पे हमको थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक मिली है। हाँ ट्रैफिक मिला, रोड भी सही नहीं था, मतलब अगर कोई भी बिहार आ रहा है ना उधर से यार तो बहुत दिक्कत है उधर से, बताओ। मैं इसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट करूंगा। तो ये वीडियो एंड करते हैं हम सुबह सुबह, अभी जस्ट उठा हूँ, ब्रश किया हूँ और देखो मैंने लैपटॉप लेकर के बैठा हूँ काम के लिए। रात में आगे हम लोग सो गए, मेरा ऐसे मतलब घूम रहा था बैठे बैठे चक्कर से, वो आ रहा था। तो ये हमारा गांव वाला घर, और देखो ये मेरा बैकग्राउंड छोटा सा स्टूडियो। चलिए इस वीडियो को शेयर करते हैं, सॉरी इस वीडियो को एंड करते हैं, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ हम गांव आ चुके हैं दरभंगा बिहार, और क्यों आए हैं अभी तक हमने रिवील नहीं किया, जो हमारा घर है, वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग। ठीक है, तो हम अपने घर पे हैं, हमारा घर है यहाँ पे, तो बढ़िया देख सकते हो सब कुछ। ठीक है, होम टूर भी देंगे इस घर का लोगी हैं। चलो जी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।